नमस्कार, डीएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर विस्तार से देखिएगा। खबर बाराबंकी जनपद से है। बाराबंकी मुख्यालय सेमो ऑफिस के बगल बना कोरोना सेंटर, वहां पर मरीज घंटों खड़े रहते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं टाइम से, डॉक्टर पहुंचते हैं लेट, और वहीं पर कूड़ा का लगा अंबार जिस कूड़े में आग लगा दी जाती है, जहां स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और कूड़ा घर बनवाए गए, लेकिन कूड़ा घर को कूड़ा न पहुंचा करके सेमो ऑफिस के बगल बाउंड्री के बगल जला दिया जाता है। सेमो ऑफिस पहुंचने पर वहां जब सेमो ऑफिस में जानकारी की गई सेमो साहब हैं कि नहीं, वहां के कर्मचारी बताते हैं सेमो साहब फील्ड पे हैं, लेकिन उनसे जो बातचीत की गई बताए थोड़ी देर में मिलते हैं। आइए देखते हैं इस खबर में विस्तार से पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के मुख्यालय सीएमओ ऑफिस के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर दिखा दो कैमरे से दिखा कि ये जो है सीएमओ ऑफिस है। पूरी सीएमओ ऑफिस की बाउंड्री वाल पूरा ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर जो है जिले भर के जो भी पीड़ित हैं आते हैं, यहाँ पर जो है जो भी समस्या होती है स्वास्थ्य विभाग की। तो एक और दिखाया जाता जो विशेष है कि यहाँ पर ये स्वास्थ्य विभाग का कोरोना जांच होती है, यहाँ पर दिखाया जाते किस तरीके से जो है कूड़ा जलाया जा रहा है, जबकि कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है, कूड़ा जलाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कूड़े का अंबार लगा हुआ है और कूड़ा पूरे घर में ना जा करके यहीं पर जो है कहते हैं जला रही, इससे जो है प्रदूषण फैलता है और यहाँ पर कोरोना की जाँच होती है। अब इस तरीके से जो है ये अधिकारियों का कर्मचारियों कहने के नियम है कि 10 बजे से कोरोना जांच शुरू हो जाती है, लेकिन 10 बज करके 10 लेट हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोरोना जांच के नाम पर यहाँ नहीं आ रहा है। और जब ये दिखा कर तो यहाँ पर जो है तमाम तीन जो कोरोना जांच के लिए आए हैं मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जाँच करने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि इधर दिखा कर भी कूड़ा के ढेर लगा हुआ, चूँकि झोपड़ी मलिन बस्तियाँ हैं, यहाँ पर जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये फरियादी जो है ऐसे पीड़ित है, लेकिन कोरोना की जांच करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अब देखना है कि ये शहर मुख्यालय पर इस तरीके से वारदात हो रही है कि कोई भी अधिकारी करके नहीं आता है, तो इंजीनियर में जो सीएससी प्रभारी सीएससी केंद्र है उनकी क्या दशा होगी, ये तो सोचने वाली बात है। भाई साहब बताइए आपका नाम क्या है? टेनी यादव, थालपुर जिला बाराबंकी थाना रामनगर। अच्छा, आए थे बच्चे का कोरोना की जांच कराने, कोरोना की जांच करने के लिए आए थे, लेकिन कितना समय हुआ है इस वक्त? इस वक्त आखिर समय देखिए बताइए। 10:06। अच्छा, 10:06 है इनकी घड़ी में, 6:06 हुआ है, लेकिन 10 बजे से कोरोना की जांच शुरू होती है, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं आया है, ये बच्चे की जांच करने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से जो मुख्यालय पर जहाँ पर जो है जे बल के सभी आला अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर ये हाल है कि 10 बजे खुलना चाहिए, लेकिन 10 के ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं आया है। जब यहाँ मुख्यालय पर जहाँ पर सभी उच्च अधिकारी बैठते हैं, ये दशा है स्वास्थ्य विभाग की, तो जो सीएससी प्रभारी हैं और जो है जो इंटीरियर इलाके में सीएससी है, वहाँ पर तो जो है ये चिकित्सीय सुविधा राम भरोसे होगी। अब देखना यही है कि जो अपने सीएमओ साहब हैं, सीएमओ साहब अवधेश यादव जी, उस पर जो है क्या कार्रवाई करते हैं, इन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार चंद, बाराबंकी।